Hello everyone, welcome to the video where we are going to check about database concepts using LibreOffice, and in this chapter we are going to check about keys in relational database. So moving ahead, for the keys, what is the meaning of keys and how we are going to use it into relational database. So moving for the same, what are the keys in relational database? So there are different types of keys and the usage which have been discussed in this chapter. So keys ka meaning kya hoga? So tuples within a relation must be unique. Iska meaning kya hoga ki jab bhi aapko keys kahin set karna hai, iske pehle mein bhi aapne check kiya hai ki primary key kaise hum log set karte hain table creation ke time pe, table designing ke time pe. So at the designing time of the table, when we are creating table, so we need to make sure that the tuple, the records which need to be unique into the relational database. अगर हम लोग keys set करना चाहते हैं तो ऐसे हमें tuple select करना पड़ेगा जिसका value जो है वो unique रहे. दूसरी क्या चीज़ हो सकती है? तो no two tuples can have the same value. अब ये सीधे सी बात होगी कि अगर हम लोग primary key set कर रहे हैं या फिर कोई भी key set कर रहे हैं, जब हमें unique value चाहिए तो दो records की value same हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. दो स्टूडेंट का नेम सेम हो सकता है, इसे हम लोग हम यूनिक वैल्यू नहीं बोल सकते, लेकिन रोल नंबर दोनों का सेम नहीं हो सकता. सिमिलरली अगर वो वैल्यू यूनिक है तो वो वैल्यू नल नहीं रह सकती. बट व्हेन वी आर यूजिंग कीज इनटू रिलेशनल डेटाबेस टेबल, सो एट दैट टाइम देयर आर सम ऑफ द कंडीशंस व्हिच वी आर यूजिंग टू फेच द डेटाबेस फ्रॉम डेटाबेस टेबल, एंड फॉर दोस कंडीशंस वी सेट कंडीशंस नन बट द रेस्ट्रिक्शंस. हम लोग रेस्ट्रिक्शन सेट करते हैं और इन रिलेशनल डेटाबेस के लैंग्वेज में, उसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट्स. तो जब भी कहीं हम लोग DBMS में कीज का यूज करने वाले हैं तो एट दैट टाइम दैट विद दैट कीज वी कैन सेट द कंस्ट्रेंट्स, दैट इज नन बट द कंडीशन. एंड दीज कंस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस कैन बी अप्लाइड ऑन द एट्रीब्यूट्स एंड द रिलेशंस व्हिच वी आर गोइंग टू सेट इन दिस रिलेशनल डेटाबेस टेबल. सो ये तो हो गया कि कीज के लिए हमें क्या जरूरत है, कीज अगर हमें यूज करना है डेटाबेस टेबल में तो हमें क्या चीजों को ध्यान में रखते हुए कीज सेट करना होगा. क्या ध्यान में रखना है कि टपल्स जो है वो यूनिक होने चाहिए, दो टपल्स के वैल्यूज जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. जब हम लोग यूनिक वैल्यू बोल रहे हैं तो वो नल वैल्यू भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. देयर नीड टू बी द वैल्यू. एंड व्हेन वी आर यूजिंग कीज इनटू डेटाबेस टेबल, उसके ऊपर में रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, कंस्ट्रेंट आ सकते हैं, दैट इज नन बट द कंडीशंस वी कैन यूज इनटू रिलेशनल डेटाबेस टेबल. एंड देन इट इज अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस, कि जब भी हमें एट्रीब्यूट कोई कंडीशन सेट करना है तो वी कैन सेट द कंडीशंस ऑन एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशंस. सो मूविंग अहेड, हम लोग चेक करेंगे कि कीज के टाइप्स क्या है, कौन से कीज हमें पढ़ना है. द फर्स्ट वन इज कैंडिडेट की, मीनिंग क्या होता है वो आगे में देखेंगे. सेकेंड वन इज अबाउट द प्राइमरी की, थर्ड वन इज कंपोजिट प्राइमरी की, एंड फोर्थ वन इज फॉरेन की. तो ये चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज आर गिवन इन द रिलेशनल डेटाबेस टेबल. फर्स्ट वन इज कैंडिडेट की, सेकेंड इज प्राइमरी की जो हम लोग मोस्टली सुनते हैं, उसे एग्जीक्यूट करके भी देखा है हमने. देन थर्ड वन इज अबाउट कंपोजिट प्राइमरी की. अब देखते हैं ये कंपोजिट के आगे में प्राइमरी लगा है तो उसका क्या कुछ डिफरेंस हो सकता है. एंड फोर्थ वन इज अबाउट द फॉरेन की. नाउ पहला जो है हमारा, दैट इज कैंडिडेट की. क्या मीनिंग होगा कैंडिडेट की का? तो अ रिलेशन दैट कैन हैव वन और मोर एट्रीब्यूट्स दैट टेक्स यूनिक वैल्यूज आर यूज इन टू द कैंडिडेट की. कैंडिडेट की कैसे बोलेंगे हमें? अगर कोई एक रिलेशन यूज कर रहे हैं जिसमें वन और मोर एट्रीब्यूट्स को यूनिक कहा जा सकता है, क्या हो सकता है उसका एग्जाम्पल? तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि एक रिलेशन, रिलेशन कैसे बन गया है हमारा टेबल में रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में, जिसमें वन और मोर एट्रीब्यूट्स, यानी क्या कि कॉलम्स कौन से दिए गए हैं, कैन टेक यूनिक वैल्यूज. अब देखिए कि ये जो टेबल आपके सामने में दिख रहा है जहाँ पे रोल नंबर, एस नेम दैट इज स्टूडेंट नेम, एड्रेस एंड मोबाइल नंबर, ये जो टेबल दिख रहा है, यहाँ पे कौन से दो एट्रीब्यूट्स या फिर कौन से दो कॉलम्स के यूनिक वैल्यूज रह सकते रहे? तो ये देखिए, यहाँ पे पहला कॉलम कौन सा है हमारा? रोल नंबर. दूसरा है स्टूडेंट नेम. तो रोल नंबर यूनिक रह सकता है क्या? यस, रोल नंबर यूनिक रह सकता है. देन दूसरा कौन सा दिया है? स्टूडेंट नेम. स्टूडेंट नेम यूनिक रह सकता है क्या?
नो, क्योंकि सेम नेम के स्टूडेंट्स रह सकते हैं, सोनू नाम का और एक सोनू भी रह सकता है, टीना नाम की और एक गर्ल भी रह सकती है. सो सिमिलरली अगर एड्रेस है तो दोनों का एड्रेस भी सेम हो सकता है, बट मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर तो सेम नहीं होगा, मोबाइल नंबर के वैल्यूज भी यूनिक रहेंगे, हर नंबर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा. सो रोल नंबर और मोबाइल नंबर कैन टेक यूनिक वैल्यूज. सो कैंडिडेट की हम लोग कहाँ सेट कर सकते हैं, ऐसे टेबल में जहाँ पे वन और मोर एट्रीब्यूट्स, वन और मोर कॉलम्स कैन टेक यूनिक वैल्यूज. सो इट इज अबाउट कैंडिडेट की. नाउ दूसरा जो आता है, इट इज अबाउट द प्राइमरी की. ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लोग कैंडिडेट की को यूज कर रहे हैं इसके पहले का, अब देखिए कि कैंडिडेट की में रोल नंबर और मोबाइल नंबर ये दो वैल्यूज यूनिक है. नाउ प्राइमरी की क्या बोलता है, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज एट्रीब्यूट्स विच आर यूनिकली आइडेंटिफाइड, विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स कैन बी कॉल्ड एज प्राइमरी की. वापस जाते हैं ये स्लाइड पे, चेक करो यहाँ पे दो हम लोग एट्रीब्यूट्स को यूनिक बोल रहे थे. कौन सा दो एट्रीब्यूट्स, नंबर वन इज रोल नंबर एंड नंबर टू इज मोबाइल नंबर. अब प्राइमरी की क्या बोल रहा है, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट कीज, ये दो जो कैंडिडेट कीज के एट्रीब्यूट्स है उसमें से कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसे हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके. अब देखिए कि अगर एक घर के दो बच्चे हैं, भाई भाई जुड़वा वाला केस, सो एट दैट टाइम रोल नंबर तो दोनों के डिफरेंट रहेंगे. हाँ ये हो सकता है कि उनका एड्रेस सेम रहेगा और उनके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर भी सेम रहेगा, तो क्या हो सकता है रे. तो यहाँ पे हम लोग प्राइमरी की कहाँ सेट कर सकते हैं, ओनली फॉर रोल नंबर. तो रोल नंबर को जब हम लोग प्राइमरी की सेट करेंगे तो वो क्या होगा, यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा टपल्स को. ओके सो इस हिसाब से हम लोग प्राइमरी की सेट कर सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड, कंपोजिट प्राइमरी की दिया हुआ है. अब देखो प्राइमरी की में आगे में लगाया कंपोजिट, तो प्राइमरी के तो जो भी रूल्स रहेंगे वो तो रहेंगे ही, लेकिन कंपोजिट प्राइमरी क्या बोलता है. अब देखिए, इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल्स. नहीं समझ में आया, वापस जाते हैं. इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट, कोई भी एक एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल, अगर कोई एक ही एट्रीब्यूट नहीं बता पा रहा है कि दैट इज क्या, कि यूनिक वैल्यू है, तो फिर ऐसे टाइम पे क्या हो सकता है कि मोर देन वन एट्रीब्यूट रह सकता है प्राइमरी की. उसका एग्जांपल क्या आएगा, तो उसका एग्जांपल आएगा कि जहाँ पे आप रोल नंबर को और एक जगह लगा दिए कि आधार कार्ड नंबर भी अगर आपने डाल दिया यहाँ पे, तो रोल नंबर भी यूनिक है और आधार कार्ड नंबर भी यूनिक रहेगा, हर एक का आइडेंटिफिकेशन नंबर तो डिफरेंट रहेगा ना. सो ऐसे जगह पे जहाँ पे सिर्फ एक एट्रीब्यूट, एक कॉलम प्राइमरी की नहीं हो सकता है, ऐसे जगह पे हम लोग मोर देन वन एट्रीब्यूट्स को प्राइमरी की लगा सकते हैं, तो वो हो जाएगा कंपोजिट प्राइमरी की. ओके मूविंग अहेड, की दिया हुआ है फोर्थ नंबर पे फॉरेन की. व्हाट इज द यूज ऑफ फॉरेन की, देखो नाम से समझ में आ रहा है फॉरेन यानी अपना नहीं. ओके द फॉरेन की इज यूज टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस, दो चीजों में, दो टेबल्स में रिलेशनशिप बताने के लिए फॉरेन की को यूज किया जाता है. तो कैसे, अ फॉरेन की इज अ एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की. मैंने क्या बोला कि जो खुद की वैल्यू नहीं है, जो बाहर का है वो है फॉरेनर. ओके वो फॉरेन वाला चीज बन जाएगा. सो ऐसी चीज जो हमारे टेबल की नहीं है लेकिन उसे कहीं से डिराइव किया जा सकता है, तो ऐसे की को कहा जाएगा फॉरेन की. जैसे कि अगर मैं ये बोलूं कि मेरे यहाँ पे ये एक टेबल है, यहाँ पे मैंने एक नया चीज ऐड किया है, नया एट्रीब्यूट ऐड किया है, दैट इज स्ट्रीम. सो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो ये स्ट्रीम मैंने ऐड कर दिया, जैसे मैं स्ट्रीम ऐड कर रही हूँ उनके रोल नंबर के सामने में भी उनका कोड आ गया है. ओके तो यहाँ पे अगर मुझे दो डिफरेंट टेबल्स है, एक टेबल है स्टूडेंट का और दूसरा टेबल है एग्जाम का, अब मुझे ये आइडेंटिफाई करने का है कि आर्ट्स में सोनू नाम का कौन सा बच्चा है या फिर सोनू नाम के कितने बच्चे हैं, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक नया एट्रीब्यूट से प्राइमरी की को डिराइव करना पड़ेगा, या फिर मुझे ये चेक करना है कि आर्ट्स में कितना परसेंटेज रिजल्ट लगा, तो मुझे हर एक बच्चे का रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो एवरेज रिजल्ट आया हुआ है उससे पता चल सकता है. तो सिमिलरली फॉरेन की जो यूज किया जाएगा उसके लिए इट विल बी डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग, इट विल बी डिराइव्ड
from some of the value of a table, so where we can use it as a primary key. So यहाँ पे मैं इसको primary key वैसे लगा सकती हूँ. So this is about foreign key. So students, हमने चार keys पढ़े हैं आज. कौन से चार keys पढ़े हैं? तो देखिए, द फर्स्ट वन इज कैंडिडेट की, जहाँ पे दो वैल्यूज यूनिक रह सकते हैं. नेक्स्ट इज प्राइमरी की, ओनली यूनिकली वन वैल्यू रहेगा. थर्ड वन इज कंपोजिट प्राइमरी, वो प्राइमरी तो है बट जहाँ पे दो कॉलम्स प्राइमरी बन सकते हैं, दो एट्रीब्यूट्स प्राइमरी बन सकते हैं, उसको हम लोग कंपोजिट प्राइमरी बोलेंगे. और फॉरेन की क्या करता है कि जो खुद के टेबल का नहीं है, वो कहीं और से डिराइव होके आया हुआ है, कोई दूसरे टेबल से डिराइव करके हम लोग प्राइमरी की सेट कर रहे हैं, तो ऐसे की को हम लोग बोलेंगे फॉरेन की. सो दिस इज ऑल अबाउट द कीज इन रिलेशनल डेटाबेस टेबल. हो आपको समझ में आ गया है, और अगर नहीं समझ में आ गया तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.